हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इसमें उत्तराखंड पीसीएस और सबऑर्डिनेट मेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको हम देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा की योजना क्या है, इसके नंबर कितने आते हैं, किस किस कितने विषय हैं और किस में कितना नंबर आता है, तो उसको एक नज़र देखते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि हमारे चैनल पे आपकी पूरी तैयारी का कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तैयारी कर सकते हैं हर एक एक टॉपिक का। एक सब्जेक्ट आप हिस्ट्री या सोशियोलॉजी आप ले ले, पूरा ऑप्शनल तैयार कर सकते हैं, साथ में नेट की तैयारी कर सकते हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा की योजना है क्रम संख्या 1, ये देखिए। प्रथम प्रश्न पत्र भाषा का होगा, अधिकतम अंक 300 होगा, लैंग्वेज का होगा जैसे हिंदी का, और समय है 3 घंटे का। द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज एवं संस्कृति, इंडियन हिस्ट्री आपको दूसरा पेपर है 200 नंबर का, 3 घंटे का होगा। और तीसरा पेपर होगा भारतीय राजव्यवस्था, सामाजिक एवं न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये भी 200 नंबर के हैं। चौथा पेपर होगा भारत एवं विश्व का भूगोल, 200 नंबर का, ये भी 3 घंटे का होगा। तो क्या है समझ लीजिए, टोटल 8 पेपर हैं। पांचवा पेपर होगा आर्थिक एवं सामाजिक विकास यानी इकोनॉमी, 200 नंबर के, ये भी 3 घंटे के। छठा पेपर होगा सामान्य विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 200 नंबर के, 3 घंटे के। और सातवां पेपर होगा सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र, 200 नंबर के, 3 घंटे के। आठवां पेपर, आठवां जो है साक्षात्कार है, 200 नंबर के, टोटल 1700 नंबर है। देखिए समझिए, तो पहला पेपर आपका भाषा का होगा 300, और दूसरा होगा आपको हिस्ट्री का, और तीसरा होगा, सीधे मैं बता रहा हूँ, भाषा हिस्ट्री, तीसरा होगा पॉलिटी, चौथा होगा ज्योग्राफी, और पाँचवा होगा इकोनॉमी, छठा होगा साइंस, सातवां होगा एप्टीट्यूड टेस्ट 200 मार्क्स के, मोरलिटी एंड एप्टीट्यूड। और टोटल आप देख लीजिए, ये टोटल पेपर हो गया 300 के हैं, और बाकी 7 पेपर हैं, 7 × 2 = 14 और 3 = 17, टोटल साक्षात्कार मिलाकर के 1700 नंबर होंगे आपके, 6 × 12 = 3 = 15 = 217, तो 1700। भाषा प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, जैसे हिंदी भाषा जो आपका होगा, और उसी बात को यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है, इसको आप लिख जरूर लेंगे, ये जानना ज़रूरी है, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा। देखिए, फर्स्ट पेपर इन लैंग्वेज है 300 का, और सेकेंड पेपर में हिस्ट्री, उसको डिटेल में लिखे हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर, आप समझिए हिस्ट्री। तीसरा पेपर पॉलिटी, चौथा पेपर ज्योग्राफी, पांचवा पेपर इकोनॉमी, समझने में आसान होगा, सातवां पेपर, छठा पेपर साइंस, जनरल साइंस, सातवां पेपर जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स, और आठवां इंटरव्यू, और टोटल नंबर होगा 1700। और पहला जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें 35% मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग है। अब देखिए, पहला पेपर जो है सामान्य हिंदी, उसको एक नज़र देख लीजिए, उसमें क्या क्या आएंगे, राजभाषा, परिनियमावली, शब्द रचना, ये सब लिखने के लिए आएगा, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वचन, लिंग, व्याकरण, कोटियाँ, ये आप लिख लेंगे, वाच्य परिवर्तन और शब्द विवेक 25 अंक के होंगे, शब्द भेद, शब्द शुद्धि, वाक्य रचना, रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, ये लिख लेंगे आप पूरे सिलेबस को, व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन, और एक एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि, स्लोगन, लेखन, मैंने दिया था इसका इंटरव्यू, मेंस दिया था, तो ये सारी चीज़ें जब तक आप लिखेंगे नहीं तो अंदाज़ा नहीं होगा। भाषा का मानकीकरण, वर्तनी का मानकीकरण, व्याकरण मानकीकरण, लिपि का मानकीकरण, उच्चकरण, ये लोकोक्ति महारे, अपठित गदांश, शीर्षकीकरण, भावार्थ, रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये सारा है। कार्यालय पत्रों के प्रारूप, पत्र भी लिखना है, टिप्पणी, प्रारूप, संक्षेपण, जनरल इंग्लिश भी आएगा 20 नंबर का, ठीक है। तो उसमें इसी के अंदर होगा कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पैसेज जो होता है,
ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी भी आएंगे, कॉमन एरर इन इंग्लिश आएंगे, निबंध भी आएगा, एसे राइटिंग भी आपको आता है, निबंध 500 शब्दों में लिखने होंगे और ख में 700 शब्दों में दो निबंध लिखने होंगे, एक तो अंग्रेजी भाषा में लगभग 500 हिंदी या अंग्रेजी में, और दूसरा निबंध किसी एक विषय का चयन करते हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में 700 शब्दों में दो निबंध लिखना होगा ख में, ठीक है। उत्तराखंड की सामाजिक संरचना, इतिहास, संस्कृति, कला, ज्योग्राफी, लिटरेचर ऑफ उत्तराखंड, महिला सशक्तिकरण, ये है भारतीय अर्थ एवं राजव्यवस्था, विज्ञान, ठीक है। एसे राइटिंग है 130 नंबर के हैं, उसके बाद 75 अंक के इधर ख में है, खंड क में 55 अंक, खंड ख में 75 अंक, भारतीय अर्थ राजव्यवस्था, विज्ञान, तकनी, आपदा, जन स्वास्थ्य प्रबंधन, समसामयिक घटना, विश्व सुरक्षा, मानवाधिकार, ये सब आप कर लेंगे। भाषा के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक लाना जरूरी है, यहाँ भी देखिए लिख दिया गया है। चलिए अब आइए आगे देखते हैं। द्वितीय प्रश्न, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज एवं संस्कृति, वही चीज़ है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यतिहासिक काल, ताम्रपाषाण युगीन, कांस्य युगीन, सभ्यता, वैदिक युगीन, ये सारी चीज़ें इसको एक एक करके लिख लीजिए, और एक एक टॉपिक पे आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और हमारी जो वीडियो है, हमने एनसीईआरटी पे भी काम किया, उस वीडियो को अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत सारा हल हो जाएगा आपका। महाजनपद में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, पारसी एवं यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्य उत्तरकाल, गुप्त राजवंश, बाद में इस्लाम का आगमन, अरबों का सिंध पर आक्रमण, तुर्कों का भारत पर आक्रमण, बस यहाँ ये फ़र्क है कि यहाँ आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है, जो हम आपको बताएंगे छोटा छोटा आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है बार बार। खिलजी वंश, तुगलक वंश, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, दक्षिण भारत, मुगल साम्राज्य की स्थापना, मराठा शक्ति का उत्कर्ष, यूरोपीय शक्तियों का आगमन और विस्तार, उपनिवेशवाद का प्रारंभ, ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध, 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन 1927 से 1947 तक, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्र उत्तर भारत, वैदिक वैदेशिक नीति, पंचशील वगैरह है, क्या है विदेश नीति, उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन, उत्तराखंड के जन आंदोलन, इन सब पे आपको काम करना है। तो सिलेबस सबसे पहले आप लिख लीजिए, उसी का ये इंग्लिश है, इंग्लिश प्रारूप भी साथ साथ हैं, अगर इंग्लिश में आप लिखना चाह रहे हैं तो इंग्लिश को आप पॉज करके लिख लीजिए, सबको आप लिख लीजिए, सिलेबस तो आपका लिखा होना चाहिए। चलिए, और सबसे पहले जो है कि आप एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक की तैयारी करें, एनसीईआरटी पे हमने काम किया है, यहाँ एनसीईआरटी भी आपको मिल जाएगा, और उसके साथ साथ टेक्स्ट बुक पढ़िए, एक एक वीडियो प्रारंभिक से कॉन्सेप्चुअली आप उसको लिखिए, मैंने बाजाबते कोर्स तैयार किया है सारा। भारतीय राजव्यवस्था तीसरा पेपर, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पॉलिटिकल समझ लीजिए इसको, भारतीय राजव्यवस्था, संवैधानिक ढांचा जो ऑलरेडी आपने प्रिलिमिनरी में आया है, ये सारे क्वेश्चन उसी को आपको बस लिखना है, यहाँ प्रैक्टिस करना है। उद्देशिका, उसका महत्व, भारतीय संविधान की मूल विशेषता, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, भारतीय राजनीति, संघीय कार्यपालिका, ये सारी चीज़ें करीब करीब पीटी में भी लिखा हुआ है, भारत में प्रशासनिक व्यवस्था, बस यहाँ आपको प्रैक्टिस करना है, इसको आप लिख लीजिएगा। पंचायती राज, भारत में लोक प्रबंध, निम्नलिखित संदर्भ में लोक प्रबंध, ये सारी चीज़ें, मानव संसाधन एवं सामुदायिक विकास, रोजगार एवं विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौन कौन सी नीतियाँ चल रही है सरकार की, सामाजिक कल्याण, सामाजिक विधायन, ये सब, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन, उत्तराखंड राज, राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक संदर्भ, सामाजिक घटनाएँ, इसको आप करें, और उसी का ये इंग्लिश है, अगर आप चाहें तो इंग्लिश में इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। आप चाहे जिस मीडियम से तैयारी करें, यहाँ पे मीडियम का बहुत बड़ा रोल नहीं है, एक चीज़ अच्छे से जान लीजिए, मीडियम की लड़ाई बस इंटर बीए और इंग्लिश स्कूल में करते रहते हैं, हायर एजुकेशन में मीडियम का रोल नहीं है, वहाँ पे रोल है नॉलेज का। अगर आप हिंदी से क्वालिफाई करते हैं तो हिंदी से भी IAS PCS कर सकते हैं, और बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग इंग्लिश से नहीं कर पाए, थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम थे और इंग्लिश से नहीं कर पाए, और वो हिंदी से कर पाए, तो आप हिंदी से भी तैयारी कर सकते हैं और इंग्लिश से भी तैयारी कर सकते हैं, कोई मतलब भाषा आपको रोक नहीं रही है,
चलिए चौथा पेपर, भारत में विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, भौगोलिक घटनाएं, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, सबको लिख लीजिए। प्रमुख जनजातियां, पर्यावरण, विश्व व्यापार, भारत का भूगोल, पर्यावरणीय उन्नयन एवं संरक्षण। लिखेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि क्या पढ़ना है। खनिज, कृषि, उद्योग, जनसंख्या, परिवहन, जनजातियां, उत्तराखंड का भूगोल। अब यही इंग्लिश में है तो मैं ये बता रहा था कि इंग्लिश हिंदी का आपको आपके इस पर मेंटलिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम है लेकिन हिंदी में तैयारी करते हैं। क्यों हिंदी में तैयारी करते हैं उसकी वजह मैं बताता हूँ। क्योंकि हिंदी में एक्सप्रेस करना बहुत आसान है, आपको आपकी भाषा है। अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे बहुत सारी चीज़ें। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि वो इंग्लिश में कर जाएंगे क्योंकि वो थ्रू आउट इंग्लिश है। आगे मैं बताऊंगा ये गलतफहमी कैसे टूटेगी। पंचम प्रश्न पत्र, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। आर्थिक एवं सामाजिक विकास यानी इकोनॉमी है ये मुख्य परीक्षा का। आर्थिक एवं सामाजिक विकास का अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, भारत की जनगणना, भारत के आर्थिक एवं सामाजिक, भारतीय कृषि एवं उद्योग, ये सारी चीज़ें हैं। नियोजन, विदेशी व्यापार, सार्वजनिक वित्त एवं मौद्रिक प्रणाली, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, सब जानना है। पाउच करके पूरा लिख लीजिए। अब आइए इंग्लिश में वही चीज़ है, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। तो हम ये कह रहे थे कि इंग्लिश में कैसे भारतीयों के लिए और हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए हिंदी एक बेहतरीन सब्जेक्ट कैसे होता है हिंदी में लिखना या हिंदी में तैयारी करना। क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम भी थे थ्रू आउट ना, तो आपको लगता है कि इंग्लिश कम्फर्टेबल है, लेकिन एक समय में जा करके ना बहुत सारी चीज़ें हिंदी में आपको आसान हो जाती है। जैसे कोई इंटरव्यू में आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे हिंदी में बात करना। क्योंकि आप ये बताइए, आप अपने घर में जो रहते हैं 24 घंटा या आपकी पूरी ज़िंदगी जो 24 घंटा गुजर रही है सुबह से शाम तक, उसमें आप कितने घंटे इंग्लिश बोलते हैं? तो जाहिर सी बात है 22 से 23 घंटा आप हिंदी बोलते हैं, तो आपकी हिंदी ज़्यादा बेहतर है। आप हिंदी में बात को ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, वहाँ कोई आपकी इंग्लिश से इम्प्रेस नहीं हो रहा है, आपकी हिंदी से ही इम्प्रेस होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सपोज ये क्वेश्चन है मनरेगा क्या है, तो इसको आप हिंदी में अच्छे से बता दीजिए तो आप बहुत महान हैं, आपको अच्छा नंबर आ जाएगा। और इंग्लिश में भी आप अच्छे से नहीं बता रहे हैं तो क्या फ़ायदा, तो कोई आपका इंग्लिश टेस्ट नहीं करने वाला है वहाँ। तो देखिए छठा पेपर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस, फिजिकल एंड केमिकल साइंस, ये सब लिख लीजिएगा, वही चीज़ें हैं बस छठे पेपर में। ये मैं पाउच करके आप ज़रूर इसको लिख लीजिए। स्पेस टेक्नोलॉजी इसमें सब आ जाएगा, जीव विज्ञान और कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, सॉफ्टवेयर, पीसी सॉफ्टवेयर पैकेजों का अनुप्रयोग, बहुत सारी चीज़ हैं, इनको आपको पढ़ना है, सब किताब में मिल जाएगा। पर्यावरणीय समस्या, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, आपदा प्रबंधन, वैश्विक पर्यावरण विषय, आपदा प्रबंधन, ये सारी चीज़ें। उत्तराखंड पुनर्वास एवं नवनिर्माण प्राधिकरण, भूकंप, बाढ़, बादल फटना, ये सारे चीज़ पे जानेंगे आप क्यों होता है ऐसा, उसी का इंग्लिश है। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिकल एंड केमिकल साइंस। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि इंग्लिश में आप तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश कोई वहाँ टेस्ट नहीं कर रहा, वहाँ आपके नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ पॉवर्टी एंड व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ पॉवर्टी, हाउ विल यू इरेडिकेट द पॉवर्टी इफ़ यू आर गोइंग थ्रू प्रॉपर नॉलेज एंड यू आर गिविंग द स्मार्ट आंसर, देन यू विल गेट द मार्क्स। और सपोज कि कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी हिंदी में बोल रहा है गरीबी क्या है, गरीबी के क्या कारण है और उसके गरीबी को समाप्त करने के कौन कौन से कारक हैं, तो आप जाहिर सी बात है दिन रात हिंदी में बोलते हैं, सुनते हैं नेताओं के भाषण भी, नेताओं से सारी चीज़ें, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं हिंदी में। और सामान्य अभिरुचि, सातवां पेपर, सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र, मतलब ये एप्टीट्यूड टाइप का, एप्टीट्यूड टेस्ट, मोबिलिटी आप समझ लीजिए, एथिक्स है। सामान्य अभिरुचि मतलब इसमें LCM है, HCF है और क्या कह रहे कि थोड़ा जनरल टाइप का आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, आपको जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। ये भी 120 नंबर, देखिए आंकड़ों का मतलब, इसे मीन मीडियन मोड, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। आचार शास्त्र भी पढ़ना है, कैसे
जीवन भावनात्मक मनोवैज्ञानिक मानववादी समझ दृष्टिकोण नजरिया ये सारी चीज़ें आपको इस पार्ट में पढ़ना है। देखिए जनरल एप्टीट्यूड मेन एग्ज़ाम तो पहुँच करके आप इसको लिख जरूर लीजिएगा। एथिक्स क्या है, कैसे बात करना है, कैसे रहना है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जनरल टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसको आप कर लीजिएगा। तो चलिए मैं समझता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई है और सारे अच्छे से आप तैयारी कीजिए। हम सारी चीज़ें प्रस्तुत करते हैं यहाँ साइंटिफिकली, टॉपिक वाइज भी और कोर्स वाइज भी, तो उसको आप मेहनत कीजिए। ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे आपको मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल है जो आप IAS PCS की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।